again repeat. Step 3, test out the on-screen keyboard input in any application where you can enter text. अब आप क्या करोगे उस ऑन स्क्रीन के द्वारा जहां जिस टेक्स्ट के अंदर आपको जो वर्क करना है तो उसको आप ऑन स्क्रीन के द्वारा टाइप करोगे. स्टेप 4, क्लिक द ऑप्शन बटन एट द लोअर राइट ऑफ द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड. और क्लिक ऑप्शन क्या करोगे, ऑन स्क्रीन के ऊपर राइट पर क्लिक करोगे ऑप्शन पर. वी कैन यूज द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, और आपका जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है वो आप यूज करते हुए ऑप्शन टू कस्टमाइज द वे इट वर्क ऑन योर कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अंदर आप अपना वर्क कर लोगे. स्टेप 5, क्लिक द क्लोज बटन ऑन द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, यू आर फिनिश्ड यूजिंग इट. और उसके बाद आपका जैसे वर्क फिनिश होता है तो आप जो है क्लोज बटन पे क्लिक करोगे तो आपका क्लोज हो जाएगा. मैग्नीफायर पार्ट 2. मैग्नीफायर इज द डिस्प्ले यूटिलिटी द मेक आवर कंप्यूटर स्क्रीन मोर रीडेबल बाय क्रिएटिंग अ सेपरेट विंडो दैट अलाउ दैट शो अ पोर्शन ऑफ आवर स्क्रीन लार्जर. मैग्नीफायर जो है आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जो भी आपने वर्क किया है उसको स्क्रीन को बड़ा कर देता है, उसको आप आसानी से उसको पढ़ सकते हो और पूरे स्क्रीन पे उसको अच्छे से देख सकते हो. इन विंडोज 7 इट कम्स विथ अ वैरायटी ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट दैट मेक यूजिंग इट क्वाइट इजी. विंडोज 7 के अंदर जो है आप अलग अलग टाइप के जो कीबोर्ड के अंदर जो शॉर्टकट्स है उसको यूज करते हुए अपने वर्क को सरलता से कर सकते हो. इट इज अ पार्ट ऑफ एसएस टू एसएस सेंटर, और यह किसका पार्ट है, एसएस सेंटर का पार्ट है. इट कैन बी एसेस्ड बाय ओपनिंग द एसएस टू एसएस सेंटर विद द कीबोर्ड शॉर्टकट. अब वहां पे पहुंचने के लिए कीबोर्ड का कौन सा शॉर्ट की आप यूज करोगे, की विंडोज की प्लस यू आर प्लस करोगे और डायरेक्टली विद द कीबोर्ड कॉम्बिनेशन, और वहां कीबोर्ड के ऊपर आप पहुंच जाओगे. विंडोज की एंड प्लस साइन. द यूटिलिटी कैन बी यूज टू मैग्नीफाई ऑल और पार्ट ऑफ द स्क्रीन एंड हैज 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन. अब आपका जो कीबोर्ड के अंदर मैग्नीफाई जैसा करोगे तो 3 टाइप के ऑप्शन आपके आएंगे. फाइल आएगा, फुल स्क्रीन मोड करना है आपको, लैंड मोड करना है या डॉक्ट मोड करना है. तो फर्स्ट ऑप्शन को आपको पढ़ते हैं. इन फुल स्क्रीन मोड द इंटायर स्क्रीन इज मैग्नीफाइड. इस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो क्या होगा, आपका जो स्क्रीन पे जो भी इमेज है वो फुल स्क्रीन मोड पे आ जाएगा. लैंड मोड. इन लैंड मोड अ सेपरेट विंडो अराउंड द माउस पॉइंटर इज क्रिएटेड दैट एक्ट लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लासेस. व्हेन वी मूव द माउस पॉइंटर दिस विंडोज मूव अलोंग विद इट. डॉक्ट मोड. इन डॉक्ट मोड द मैग्नीफाइड एरिया इज डॉक्ट टू द टॉप ऑफ द स्क्रीन. दिस इज द ओनली मोड अवेलेबल इफ एरिया इज डिसेबल. अब बच्चों ये जो शॉर्ट कीज जो दे रखी है आपकी, इस शॉर्ट की को आपको अच्छे से लर्न करना है. जब भी आपका प्रैक्टिकल होगा तो ये वाली की आपको यूज करनी पड़ेगी. ठीक है, जैसे कंट्रोल प्लस एल्टर प्लस स्पेस बार आपने प्रेस किया तो क्या होगा, प्रीवियस डेस्कटॉप इन फुल स्क्रीन मोड पे आप आ जाओगे. विंडोज की एंड प्लस साइन को आप करोगे तो जूम इन और आउट हो जाएगा आपका. ठीक है, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, जूम आउट हो जाएगा, और प्लस करोगे तो जूम इन हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एल्टर प्लस एफ अगर आप प्रेस करते हो तो स्विच टू फुल स्क्रीन मोड पे आ जाएगा. कंट्रोल प्लस एल्टर प्लस एल, ये तीनों की मतलब ये जो बता रखा है बच्चों, तो इन तीनों को एक साथ आपको प्रेस करना होगा. स्विच टू लेंस मोड एंड कंट्रोल प्लस एल्टर प्लस डी स्विच टू डॉक्ड मोड. विंडोज की प्लस एस्केप की के द्वारा क्या हो जाएगा, जो मैग्नीफायर आपने किया हुआ है उससे आप बाहर आ जाओगे. ठीक है, नेक्स्ट गेम्स. अब विंडोज के अंदर अपन ने अभी कैलकुलेटर के बारे में पढ़ा, मैग्नीफायर के बारे में पढ़ा, अब जो है गेम्स के बारे में पढ़ेंगे. सम ऑफ द गेम्स दैट आर इंक्लूड विद विंडोज 7 आर सॉलिटेयर, पर्बल, प्लेस एंड चेस. कुछ जो गेम्स होते हैं वो विंडोज 7 के अंदर ऑलरेडी सेव होते हैं जिसको आप लोग गेम्स में खेल सकते हैं, जैसे बट
enterprise edition of Windows Vista or Windows 7 automatically disable the games features by default in a basis installation. लेकिन Windows 7 और Windows Vista के अंदर कुछ जो होते हैं games वो automatic ही आप जब start करना चाहोगे start हो जाएगा. उसके अलावा कुछ जो नहीं होते हैं उसको आप installation भी कर सकते हो. To enable them, log into the computer with an account that has administration privilege. Step 1. अब आपको कैसे कुछ games के अंदर जाना है, कैसे उसको installation करोगे. Step 1. क्लिक स्टार्ट बटन पे जाओगे, कंट्रोल पैनल पे जाके कहाँ जाओगे, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे जाओगे. देन स्टेप 2, क्लिक ऑन अनेबल और डिसेबल विंडोज फीचर्स ऑन द लेफ्ट पैन. स्टेप 3, चेक द बॉक्स नेक्स्ट टू गेम्स एंड क्लिक ओके. और कहाँ पे आप बॉक्स के अंदर कहाँ जाओगे गेम्स के अंदर और उसके बाद कहाँ करोगे, क्लिक ओके पे करोगे. ऑल गेम्स विल नाउ शो अप इन द गेम्स. और सारे गेम्स जो है आपके सामने शो हो जाएंगे. एक्सप्लोर अप्लाइड इन द स्टार्ट मेन्यू. और उसके बाद आप कहाँ वापस जाओगे, स्टार्ट बटन पे. एंटीवायरस, अब इसके बारे में पढ़ेंगे. एंटीवायरस जो होता है बच्चों, जो अपने कंप्यूटर को जो नुकसान पहुंचाता है उससे सुरक्षित रखने के लिए एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल्स हैं है ना, जिसको कोई चुरा नहीं सकता है, उसके लिए एंटीवायरस प्रोवाइड किया जाता है. Antivirus is a protective software designed to defend our computer against malicious software. Antivirus क्या है, protective software है ना, वो किस computer के जो against malicious software उससे बचाव किया जाता है. Malicious software और malware include malicious software और malware के अंदर क्या क्या include होता है, virus होता है, trojan होता है, key loggers होता है, hijackers होता है, dialers and other code the steal our computer contain. जो भी computer से चीजें चुरा सकता है, जो भी sources है जैसे virus, trojan, ये इनके प्रति इनसे protect करने के लिए antivirus use करते हैं. In order to be an effective defense, our antivirus software need to run in the background at all items and should be kept अपडेट सो इट रिकोनाइज न्यू वर्जन ऑफ मॉलिशियस सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर के अंदर हम जो एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर पहले से अपडेट करा के रखते हैं, तो उससे क्या आता है, जो भी मॉलिशियस सॉफ्टवेयर होता है उसके अगेंस्ट वो उसका डिस्ट्रॉय कर देता है. और हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल्स हैं है ना, तो वो सब सुरक्षित रहती है. ओके तो बच्चों, आपका ये जो लेसन है यहीं फिनिश हो गया है. नेक्स्ट अब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू एंड फॉल्स. व्हेन वी स्विच मोड द कैलकुलेशन हिस्ट्री एंड नंबर स्टोर्ड बाय द मेमोरी की आर रिटर्न. यस, दिस इज स्टेटमेंट इज ट्रू. वी कैन यूज द नो ओन स्क्रीन कीबोर्ड ऑप्शन टू कस्टमाइज द वे इन वर्क On our computer, yes, no. इसमें क्या cannot आया, cannot use, मतलब use नहीं कर सकते हैं, तो false आएगा. In lens mode, in the magnified areas is docked to the top of the screen. No, false होगा ये. Only a few games are available in games option. Yes, games option में only a few games are available in games option. No, बहुत से ऑप्शन होते हैं गेम्स में तो, कि जो आपको प्रोवाइड करना वो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो. एंटीवायरस इज अ प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डिफेंड आवर कंप्यूटर अगेंस्ट द मॉलिशियस सॉफ्टवेयर. यस, एंटीवायरस इससे अपने को प्रोटेक्ट करता है, तो राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक, जिसमें आपको हेल्प बॉक्स को यूज करना है. मॉलिशियस कैलकुलेटर ऑन स्क्रीन क्लियर्ड एक्सप्लोरर. फिर से सुन लीजिएगा, मॉलिशियस कैलकुलेटर ऑन स्क्रीन क्लियर्ड एक्सप्लोरर. तो फर्स्ट आपका डैश इज प्रोग्राम यूजिंग विच वी कैन मेक कैलकुलेशन है ना, तो किससे अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो फर्स्ट कैलकुलेटर राइट ऑन वन, यहां से देख के आप कॉपी कर लोगे. व्हेन वी स्विच मोड द करंट कैलकुलेशन इज क्या आएगा, क्लियर्ड, वहां से क्लियर्ड हो जाएगा. राइट ऑन टू, यहां से कॉपी करोगे. थर्ड, द डैश कीबोर्ड सर्व एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ए मैकेनिकल कीबोर्ड. तो यहां पे क्या आएगा आपका,
थर्ड पे ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड सर्व एज सब्स्टिट्यूट ऑफ मैकेनिकल कीबोर्ड। तो राइट ऑन थ्री, यहां से कॉपी करके यहां करोगे, लिखोगे ऑल प्रोग्राम विल नाउ शो अप इन द गेम्स डैश एप्लेट इन द स्टार्ट मेन्यू। तो किस क्या आएगा आपका एक्सप्लोरर, ठीक है, एक्सप्लोरर पे आप जाओगे। राइट एंड फोर, यहां से कॉपी करके यहां लिखना है। देन फाइव, वायरस, वायरसेस आर डैश प्रोग्राम दैट स्प्रेड थ्रू आउट कंप्यूटर फाइल्स विदाउट यूजर नॉलेज टू मॉलिशियस। राइट ऑन फाइव, यहां से कॉपी करके आपको यहां लिखना है। तो क्लास फोर्थ यहां तक आपको बुक के अंदर ही वर्क करना है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स की आपको पिक भेजी जाएगी, तो उसको आपको कॉपी करके कॉपी में लिखना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।